तो यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। मूवी स्टोरी में हमें एस्ली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब 12 साल के लड़के के साथ करती है। तो अभी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रही है कि एस्ली इस लड़के के साथ अंत तक और क्या क्या करेगी। तो भाई साहब मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब मूवी शुरू होती है और हमें एस्ली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार ड्राइव करके कहीं पर जा रही थी। अब रास्ते में चलते चलते एस्ली को उसकी माँ का फोन आता है, तो वो अपनी माँ को बताती है कि आज वो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है, क्योंकि भाई साहब लड़की को ज्यादा पैसे कमाने थे इसलिए वो एक अमीर परिवार के पास बेबी सिटिंग किया करती थी और इसलिए आज भी ये वहीं पर जा रही थी। अब दूसरी तरफ हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें कि एक चौमूसा हस्बैंड होता है और उसकी एक हॉट वाइफ थी जो कि साथ रहते थे। अब इनका एक 12 साल का बेटा भी था जिसका नाम ल्यूक था। अब भाई साहब यहाँ पर बीबी हॉट थी और हस्बैंड चोमू, इसलिए बीबी उस पर हमेशा हुक्म चलाया करती थी। अब भाई इसके बाद हमें दो लफंगे लड़कों को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब अपने फोन में सनी लियोनी की मूवी देख रहे थे। अब इनमें से एक का नाम गैरेट और दूसरे का ल्यूक होता है, और तभी ल्यूक गैरेट को बोलता है कि आज एस्ली बेबी सिटिंग के लिए हमारे घर पर आ रही है और भाई आज तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो एस्ली थी वो पहले भी इस लड़के की बेबी सिटिंग कर चुकी थी। अब भाई साहब ल्यूक भी उसे काफी पसंद किया करता था और वो हमेशा उसके साथ करना चाहता था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस्ली इसके घर पर आ जाती है, इसके बाद तभी वहां पर वो होट लेडी आती है और उसे बताती है कि ल्यूक को नींद में चलने की आदत है इसलिए हम डोर के ऊपर पेंसिल रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ल्यूक अपने कमरे से बाहर गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बताकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहां से चले जाते। अब भैया यहाँ पर ल्यूक और एस्ली अकेले थे और भाई साहब यहाँ पर ल्यूक के इरादे खड़े हो चुके थे, जिसके बाद ल्यूक एस्ली से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देख सकते हैं, जिस पर एस्ली उससे कहती है कि तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम अकेले जाकर देख लो, मुझे किसी से फोन पर बात करनी है। अब क्योंकि भैया यहाँ पर क्रिसमस का टाइम चल रहा था और इसलिए एस्ली का बॉयफ्रेंड भी एस्ली को बुलाकर उसके साथ कुछ ना कुछ करने के मूड में था। अब फोन पर बात करते करते एस्ली को वहां पर एक मकड़ी नजर आती है। अब वो इस मकड़ी को देखकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब तभी वहां पर ल्यूक आता है, जिस पर एस्ली उससे कहती है कि तुम इस मकड़ी को मार डालो। यहाँ पर आकर ल्यूक उस मकड़ी को एक कांच में पकड़ लेता है और एस्ली से कहता है कि स्पाइडर ने तो कुछ भी नहीं किया, और इसके बाद वो उस मकड़ी को बाहर जाकर छोड़ देता है। अब भाई साहब यहाँ पर ल्यूक काफी खुश हो गया था क्योंकि वो अपने आप को सुपरमैन समझ रहा था कि आज मैंने एस्ली को बचा लिया और अब भैया एस्ली मुझसे पट जाएगी। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता और एस्ली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अब ये चीज देखकर ल्यूक को काफी बुरा लगता है। अब इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक एक शैंपेन की बोतल उठाकर लाता है और उसे एस्ली के सामने खोलकर पीने लगता है। अब एस्ली उसकी हरकत को देखकर उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि क्या तू पागल हो गया, तू ये क्या कर रहा है। अब भैया ल्यूक उससे कहता है कि मैं मर्द हूँ और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और इसलिए मैं अब इसे पी सकता हूँ, लेकिन एस्ली उसे ऐसा करने से रोक देती है और उससे वो बोतल ले लेती है। अब ये दोनों बैठकर यहाँ पर एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं और मूवी देखते देखते ल्यूक के अंदर भैया हवस जाग जाती है। तो इसके बाद भैया वो एस्ली पर झपट्टा मार देता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अब इस पर एस्ली उसे तुरंत रोक देती है और उससे कहती है कि अभी तुम बच्चे हो और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। अब ये सुनकर ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नाराज होकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर फोन की घंटी बजती है और जब वो फोन उठाती है तो उस पर कोई उसे रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अब इसके थोड़ी देर बाद फोन दोबारा से बजता है और फोन उठाने पर उसमें से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका लगता है कि गला खराब था। वो एस्ली को बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब ये सुनकर एस्ली को लगने लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, और इससे एस्ली काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि एस्ली पहले से ही परेशान थी क्योंकि भैया घर में पहले से ही एक हफ्ती पड़ा हुआ था जिसकी हवस भाई साहब पेंट से बाहर आ रही थी। फिर एस्ली देखती है कि किसी ने गार्डन में रखा हुआ सेंटा क्लोज उसकी खिड़की के पास रख दिया है और इसके साथ ही घर का पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है। अब ये चीज देखकर एस्ली भैया सच में डर जाती है और ल्यूक को पुलिस को फोन करने को कहती है। अब एस्ली का फोन ल्यूक के पास था। अब ल्यूक एस्ली को उस फोन को एस्ली को देने के लिए उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो फोन सीधा जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है और पानी से खराब हो जाता है। उसके बाद तभी घंटी बजती है और एस्ली बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद भैया ल्यूक हीरो बनकर दरवाजे के पास आता है और कहता है कि तुम जो भी हो हमें डराना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तभी ल्यूक वहां पर बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी कोई ल्यूक पर आकर कूद जाता है। पहले तो ये दोनों काफी डर जाते हैं, पर इसके बाद ल्यूक देखता है कि ये तो उसका दोस्त गैरेट है। इसके बाद ये दोनों गैरेट पर काफी चिल्लाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद गैरेट ही इनको इतने समय से डरा रहा था, पर गैरेट उनसे बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं किया और मैं तो अभी आया हूँ। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ये तीनों ऊपर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब एस्ली इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी इसलिए वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर घर का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि एस्ली का फोन भी पानी में गिर गया था इसलिए वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर एस्ली ल्यूक को उसके लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, लेकिन लैपटॉप में भी कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा था। अब एस्ली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कार चलाकर ही पुलिस के पास जाएगी, लेकिन वो बाहर जाकर देखती है कि उसके कार के टायर्स को भी किसी ने पंचर कर दिया है, जिसके बाद गैरेट ऊपर से एक ईंट लेकर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम यहाँ से गए तो मर जाओगे। अब ये देखकर गैरेट की डर के मारे फट जाती है और इसलिए वो डर के मारे वहां से बाहर भाग जाता है। इसके घर से बाहर निकलते ही एक गनशॉट की आवाज आती है जिसके चलते गैरेट वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर एस्ली काफी डर जाती है और वो सोचने लगती है कि कोई सचमुच घर के आसपास घूम रहा है जो उन्हें मारना चाहता है। ल्यूक और एस्ली भागकर छत के ऊपर जाते हैं और इन्हें यहाँ पर वो इंसान दिखाई देता है जो इन्हें मारना चाहता था। उसे देखने के बाद एस्ली ल्यूक को लेकर एक कवर्ड के अंदर छुप जाती है और इसके बाद वो आदमी भी वहां पर आता है और अपनी बंदूक लेकर उनको ढूंढने लग जाता है। अब एस्ली और ल्यूक काफी डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि अब ये आदमी उन्हें ढूंढकर मार डालेगा, और
तभी एशली की निगाह उस आदमी के मास्क पर पड़ती है। रोई मास्क देखकर ल्यूक से पूछती है कि ऐसा मास्क तो तुम्हारे पास भी है। अब यहाँ पर भैया एशली समझ जाती है कि ये कोई सीरियल किलर नहीं है, बल्कि ये इसी का कोई चूतिया फ्रेंड है जो कि मेरा चूतिया काट रहा है। इसके बाद एशली उस कवर्ड से बाहर निकलती है और उस आदमी से अपना मास्क उतारने को कहती है। अब जब ये आदमी अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का फ्रेंड गैरेट ही था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये प्लान ल्यूक का ही था और वो एशली को डराना चाहता था ताकि वो बाद में एशली को बचा ले और उसकी नज़र में एक हीरो बन जाए। अब ये चीज़ देखकर एशली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो ल्यूक को ये सब उसके पेरेंट्स को बताने की धमकी देती है। अब ल्यूक काफ़ी रिक्वेस्ट करता है एशली से कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन एशली उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उससे कहती है कि तू चूतिया है और तुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए। तभी एशली उसके पेरेंट्स को फोन करने के लिए जा ही रही होती है कि ल्यूक उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि एशली सीधा सीढ़ियों से नीचे आकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। एशली को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांध दिया गया है और वहां पर वही ल्यूक भी होता है जिसका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब यहाँ पर वो एशली के साथ काफी बदतमीजी करने लगता है और उससे अपने दिल की बात खोलता है। वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे अरमान खड़े हो जाते हैं। वही एशली भी इसकी तरफ को देखकर सोच रही होती है कि ये साला तो बड़ा हरामी निकला। इसके बाद ल्यूक एशली को ट्रुथ और डेयर गेम खेलने को कहता है। इस पर ल्यूक उससे कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी जिसमें जहर होता है। अब ये बात सुनकर एशली उनसे कहती है कि अबे सालों तुम्हारी लगने वाली है, अच्छा होगा तो मुझे खोल दो, लेकिन भाई साहब ल्यूक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि अब ये एक साइको का रूप ले चुका था। फिर इसके बाद ये सभी ट्रुथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैरेट की बारी आती है और वो ल्यूक को चैलेंज देता है कि तुम्हें एशली के ब्रेस्ट को छूना होगा। ये बात सुनकर भैया लोंडा काफी खुश हो जाता है और वो ऐसा ही करने लग जाता है एशली के साथ। अब थोड़ी देर बाद ये गेम चलने के बाद गैरेट ल्यूक को बोलता है कि उसे इस गेम में मजा नहीं आ रहा है और इसलिए हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। जिस पर ल्यूक उससे कहता है कि अभी तो गेम शुरू ही हुआ है, अभी आगे इससे भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। अब कुछ देर बाद घर की बेल बजती है जिस पर ल्यूक देखता है कि यहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया था। अब ल्यूक उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था। अब ल्यूक रिकी को बोलता है कि एशली तुमसे बात नहीं करना चाहती इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रिकी जबरदस्ती अंदर आता है और वो एशली को ढूंढने लग जाता है। अब दूसरी तरफ एशली भी अपनी आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि रिकी आकर उसे ढूंढ ले, लेकिन इससे पहले कि रिकी उसे ढूंढ पाता है ल्यूक उसके पीछे बेसबॉल बैट लेकर आता है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी भी देर बाद जब रिकी को होश आता है तो वो भी देखता है कि वो भी एशली के साथ बंधा हुआ है। अब इसके बाद एशली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर कि रिकी फोन की तरफ इशारा करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ल्यूक ने एशली के फोन से रिकी को SMS करके यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग रिकी को पकड़ रहे थे उसी वक्त एशली जमीन पर पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और उस टुकड़े को अपने हाथ में छुपा लेती है ताकि बाद में वो उसका यूज करके अपने आप को आजाद कर सके। थोड़ी देर बाद ल्यूक रिकी को एक हॉल में लेकर जाता है और उसके ऊपर एक पेंट का डिब्बा फेंकने लगता है। अब भैया अगर ये पेंट का डिब्बा रिकी के सर पर लग गया तो ये वहीं पर मर जाएगा। अब गैरेट भी ये सब चीज देखकर काफी डर जाता है और वो ल्यूक से कहता है कि तुम ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर रिकी की भी काफी बुरी तरह से फट जाती है और भैया वो एशली को आवाज लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ एशली उस कांच के टुकड़े से खुद को आजाद कर चुकी थी। अब वो जैसे ही ल्यूक के पास जाती है ल्यूक उस पेंट के डब्बे को नीचे गिरा देता है, फिर वो पेंट का डब्बा सीधा आकर रिकी के सर पर लगता है जिससे कि रिकी की वहीं पर डेड हो जाती है। अब ल्यूक ये सारी चीजें करके काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद एशली ल्यूक को गन दिखाकर डराती है, लेकिन ल्यूक इससे बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि उसे पता था कि ये गन खाली है। अब ये चीज देखकर एशली वहां से भागने लगती है और वो जैसे ही घर से बाहर जाती है वहां से उड़ती हुई एक ईंट आती है और वो सीधी आकर एशली के सर पर लगती है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब भाई साहब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ल्यूक ने सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखी थी। तो एक 12 साल का बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब थोड़ी देर बाद एशली की आंख खुलती है और वो देखती है कि ल्यूक ने उसे फिर से बांध दिया है। अब इसके कुछ देर बाद फिर से घर की घंटी बजती है और यहाँ पर एशली का एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसे कि ल्यूक ने मैसेज करके बुलाया था। फिर ल्यूक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे एक सॉरी लेटर लिखवाता है ये बोलकर कि एशली ने उसे ही लिखने को बोला है। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड इस लेटर को लिख रहा होता है कि तभी ल्यूक पीछे से उसके एक रस्सी लेकर आ जाता है और वो रस्सी उसके गले में डालकर उसे लटका देता है। अब दूसरी तरफ हम गैरेट को देखते हैं जिसे कि एशली अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे खुद को आजाद करने को बोलती है। अब गैरेट एशली को खोलने वाला होता है कि तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है और ये देखकर वो गैरेट को गोली मार देता है। इसके बाद ल्यूक एशली के पास जाता है और उसके गले में भी एक चाकू मारकर उसे मार डालता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स घर आने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा सीन ऐसे बना देता है कि लगे सबको कि ये सब एशली के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है और इसके बाद वो खुद एक कमरे में जाकर सो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ल्यूक के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो ये सब देखकर तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। इसके बाद ल्यूक की मोम भागती हुई उसके कमरे में आती है और वो देखती है कि ल्यूक तो वहां पर सो रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनमें से अभी भी एक इंसान बचा हुआ है। ये सुनकर ल्यूक भागकर सीधा खिड़की के पास आता है। ल्यूक देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है और वो जाते हुए ल्यूक को अपनी मिडल फिंगर दिखाकर जाती है। अब यहाँ पर हमें ल्यूक को देखकर पता चलता है कि अब इस साले की लगने वाली है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।